कैंगल शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसके सामने पिटबुल हो, रॉटवाइलर हो, जर्मन शेफर्ड हो या फिर कैनकॉर्स हो, कैंगल शेफर्ड इन सभी डॉग्स को बड़े ही आसानी से हरा सकता है बिकॉज ये डॉग्स इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फिर और क्या, आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड कैंगल शेफर्ड का इंडिया में क्या प्राइस है एंड अगर हम कैंगल शेफर्ड को अपने घर में रखते हैं तो हमें महीने का कितना खर्चा आ जाता है, ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। कैंगल शेफर्ड के प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कैंगल शेफर्ड के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैंगल शेफर्ड किस टाइप की डॉग ब्रीड है एंड आपके लिए परफेक्ट है भी या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं, कैंगल शेफर्ड एक वर्किंग डॉग ब्रीड है। इन डॉग्स को पहले शिप्स एंड गोट्स को उल्फ एंड बियर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था एंड कई कंट्रीज में आज भी यूज करते हैं बिकॉज ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड पावरफुल होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो एक पिटबुल और एक रॉटवाइलर इन दोनों को मिला दिया जाए फिर भी कैंगल शेफर्ड इनसे ज़्यादा पावरफुल होगा। देखो पिटबुल का बाइट फोर्स होता है 235 PSI एंड रॉटवाइलर का बाइट फोर्स होता है 328 PSI और इन दोनों डॉग्स के बाइट फोर्स को भी ऐड किया जाए तो फिर भी 563 PSI होता है और अकेले कैंगल शेफर्ड का 743 PSI का बाइट फोर्स होता है जो कि वर्ल्ड में किसी भी डॉग का सबसे ज़्यादा है। कैंगल शेफर्ड पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड है। वेल कैंगल शेफर्ड एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 63 से 80 सेंटीमीटर तक होती है एंड वेट 48 से 60 केजीज तक होता है। कैंगल शेफर्ड का ओरिजिन तुर्की से है एंड इन डॉग्स का लाइफ स्पैन 10 से लेकर 15 ईयर्स तक होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कैंगल शेफर्ड को लो बिकॉज ये डॉग्स को जो है ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड जो फर्स्ट टाइम ओनर है तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो कैंगल शेफर्ड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कैंगल शेफर्ड्स लॉयल एंड प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं अपने फैमिली के लिए बट ये डॉग्स स्ट्रेंजर्स के लिए एक खतरा बन सकते हैं। इन डॉग्स को सोशलाइज करना और ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये डॉग्स एक्टिव होते हैं एंड इन डॉग्स को रेगुलरली एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी होता है। वैसे ये डॉग्स काफ़ी हेल्दी होते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये डॉग ना ही ले तो बेहतर होगा बिकॉज ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप रुके हो बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करते हैं प्राइस की। देखो इंडिया में ये डॉग्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे तो इनका प्राइस जो है इंडिया में थोड़ा सा हाई है। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का कैंगल शेफर्ड लेते हो तो आपको वो इंडिया में 25,000 से 40,000 रुपये तक मिल सकता है एंड वही अगर आप हाई क्वालिटी का कैंगल शेफर्ड लेते हो तो उसका प्राइस इंडिया में 40,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं मंथली कॉस्ट के बारे में। देखो किसी भी डॉग पर होने वाला खर्च सबसे ज़्यादा उसके खाने पर होता है। अगर आप अपने कैंगल शेफर्ड को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक पेडिग्री प्रो या फिर ड्रोल्स तो उसका हर महीने खाने पर खर्च होगा 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक। वही अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक पेडिग्री प्रो तो 5,000 से 5,500 रुपये तक खर्च होगा उसके खाने पर हर महीने। वैक्सीनेशन कॉस्ट सभी डॉग्स के लिए सेम होती है जो कि 500 रुपये से लेकर 900 रुपये तक होती है। डिवॉर्मिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है एंड ग्रूमिंग कॉस्ट के लिए 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक हर महीने लगते हैं जिसमें शैम्पू सोप्स ब्रशेस एंड कंडीशनर इंक्लूड होते हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें अगर आप अपने कैंगल शेफर्ड को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पर मंथ खर्चा आएगा एंड वही अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये तक पर मंथ खर्चा आएगा सभी इसका मिलाकर। सो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते हैं इधर ही खत्म, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।